बिसम दोस्तों आज आप लोग के साथ मैंने बहुत ही प्यारी यूनिक रेसिपी शेयर करना है वो भी सिर्फ बच्चों के लिए है बच्चों के लिए कौन सी चीज़ हमने तैयार करना है ऑरेंज जैम की रेसिपी आजकल वैसे सीजन है ताज़ा ऑरेंज बहुत आसानी से और बहुत ही मज़ेदार और सस्ते रेट पे आपको आसानी से मिल सकता है वैसे मार्केट से अगर आपने जैम खरीदना वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होते हैं बच्चे जैम के बगैर गुजारा भी नहीं करते हैं तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कम खर्चे में इस महंगाई के दौर में आपको ऐसे रेसिपी दे देता हूँ और बनाना बेहद आसान है एक आसान तरीके से और जेम की रेसिपी आपको बताएंगे किस तरीके से हमने और जेम तैयार करना है और फिर आप देख ले बच्चे कहेंगे कैसे बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी तो चलो शुरू करते और आप साथ रहे वीडियो को स्किप मत करना इन आपको बहुत ही अच्छी लगेगी शुरू करते हैं बिसम यहाँ पे चार अदद मैंने लिए कीनू ठीक है सबसे पहले काम आपने ये करना है कीनू से आपने चिलका उतार देना है ठीक है बहुत आसान तरीके से कीनू से चिलका उतर जाता है अब जो है एक एक स्टेप मैं आपको ऐसे तरीके से बता देता हूँ आपको बाज़ार से जेम लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत अच्छी तरीके से आप अपना घर पर जैम तैयार कर सकोगे ये जो सफ़ेद चिल्का है ना ये जरूर उतारना है ये थोड़ा सा कड़वा होता है ठीक है और ये ग्रैंड करने में भी थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ पे जो है मैंने लिए ये जो पलिए लिए ना इससे आपने ये सफ़ेद वाला जगह बिल्कुल रिमूव करना है ख़त्म करना है इस तरह सेट पे रख देना है ठीक है यहाँ पे इसकी जो बीज है ना ये आपने निकाल देना है बीज और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना ये सफ़ेद वाला जो सख्त जगह है ये आपने काटना है बस और कुछ भी नहीं करना ठीक है यहाँ पे इस तरीके से आपने सारा साफ करना है ठीक है मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं सारा इसी तरह कर लेता हूँ यहाँ पे देख ले बीच और जो चीज मुझे सख लग रहा था वो मैंने ये उतार दिए आपने भी यही करना है ठीक है यहाँ पे एक बोल में मैं डाल लेता हूँ और चिल्का जो है आपने चिल्के के साथ क्या करना है चिल्का जो केनू का के चिलका है ना बकाये माल्टे का ना मौसमी का ना कीनू का छिलका ये कीनू है ठीक है ये आप जर्दे में भी डाल सकते हैं ठीक है ठीके? गुड़ वाले चावल बनाओ मतंजन में यहाँ पे इसकी जो ये सपीदी है ना ये आपने ख़त्म करना है इस तरह की क्रूचना है ठीक है प्यार से आपने इस तरह करना है जितना हमें ज़रूरत है मैंने कर लिए वैसे आप ज़्यादा सारा करके सुखाए और प्रीस करें ऐसे बोतल में रखे तो फिर भी ख़राब नहीं होता बार भी प्रीज़र से बार भी कुछ नहीं होगा अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह स्लाइस मैंने काट दी लंबी शेप में अब इसको कब डालना है सबसे पहले स्टेप पे इसको शेक करना है बसमल रन रही यहाँ पे एक जग में मैंने डाल देना है सारा और यहाँ पे माश इसी तरह आपने अच्छी तरह शेक कर दी अब ये कढ़ई में डाल देना है चोला जलाया और कढ़ई में डाल दिए इस टाइम जो है मैंने कोई चीज़ पालतू नहीं डाली अब जो इसमें मैंने चीनी डालनी है कितने डालनी है ध्यान से देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये जूस का जो वज़न है ना तकरीबन चार सौ ग्राम है ठीक है चार कीनू था मतलब एक पाव दो कीनू ये जो चीनी है ना ये सौ ग्राम की एक कापे छोटा तो दो सौ ग्राम इसमें मैंने चीनी शामिल करना है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ देख लें चीनी इसीलिए थोड़ा ज़्यादा डालता है ना जैम का जो कलर है और जो मज़ेदार करता है ना वो इसी चीनी से ही मज़ेदार होगी यहाँ पे ये आपने इतना उबालने है कम अज़ कम आपका पंद्रह से बीस मिनट लग जाएंगे ठीक है पकाते पकाते जैसे जैसे गाढ़ा होगी इसका कलर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा न केमिकल की जरूरत पड़ेगी किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इसको जो अपना एक कलर है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसका अपना कलर बहुत ही खूबसूरत बनती है माशाल्लाह अब छिलका मैंने नहीं डाला जो बारीक चिलका मैंने काट के रखा है ना वो मैंने नहीं डाला लोग अक्सर पहले से ही डाल लेते हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है हर किसी को बनाना आता है लेकिन यहाँ पे आपने कुछ चीज़ ऐसे है ना वो आपने स्टेप बाय स्टेप डालना है लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर आपने इसको फॉलो करके गौर से देखना है यहाँ पे छिलका जब आपने डालना हो ना जब बिल्कुल ये रेडी हो जाए कम से कम तीन से चार मिनट आपने चिल्के को इसमें पकाने ज़्यादा नहीं तीन से चार मिनट के लिए अगर आप ज़्यादा इसको गलाओगे तो फिर जेम में नज़र भी नहीं आएगा बिल्कुल हलवा हो जाएगी फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा ये बिल्कुल सेम टू सेम जो है बाजार जैसा जेम अपना घर पे आप रेडी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये देख ले अब जो है इसी टाइम मैंने छोला बंद कर देना क्योंकि ये मज़ीद जैसे ठंडा हो जाएगी ना ये और गाढ़ी हो जाएगी तो अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी करोगे ज़्यादा तक करोगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा चोला बंद कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देख ले आधा घंटे के लिए सेट पर रख के आज कल सर्दी है या ऑटोमेटिक का अपना जगह पर आ जाएगी किसी बोतल में बॉल में सेव करें अब तक दस दिन इस्तेमाल करें उसके बाद फिर ताज़ा बनाए वैसे तकरीबन एक महीने बीस दिन तक इसको कुछ भी नहीं होता है आप फ्रिज में रखें जब भी आपने नाश्ते में इस्तेमाल करना निकाले और बच्चों को दे अल्हम्दुलिल्लाह आपको अंदाज़ा होगा देखने से भी कितनी ख़ूबसूरत लुक आ आगे देख ले और मज़ेदार खुशबूदार जैम हमारा तैयार होगी तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करो अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें प्यारा सा कमेंट्स भी करें ये आप लोग के तरफ से एक प्यार है और एक मोहब्बत है अगर आप देना चाहते हैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अल्हमदल्ला यहाँ पे देख ले कितनी मज़ेदार लुक बन गई ज़रूर आपने ट्राई करके मुझे बता अल्हदल रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर की बहुत मज़े की क्यूट रेसिपी उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक भी करें ये आप लोग की तरफ से एक प्यार और एक मोहब्बत है अगर आप देना चाहते हैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया इसी के साथ उस्मानी सब्जे को दे इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखें वो में याद रखना लापे